हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीलम। आप लोग आलू गोभी सब्जी तो डेली बनाकर खाते होंगे, पर आज मैं एक नए तरीके से आपको आलू गोभी की सब्जी बनाकर बताऊंगी, जो कि बिल्कुल से सादी वाली जो आलू की गोभी की सब्जी बनती है वैसा ही टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। हमारे घर के ही कुछ मसालों से बनकर तैयार होगी, इसके लिए हमें अलग से कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये टेस्टी और डिलीशियस आलू गोभी की सब्जी। तो इसके लिए हमें एक मिक्सर जार ले लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, रफली चॉप किया हुआ। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें एक टमाटर ऐड करेंगे, ये भी रफली चॉप किया हुआ, मीडियम साइज के टमाटर लिया है। और दो हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हरी मिर्च, जैसे आपको पसंद हो, तीखा ज़्यादा पसंद हो। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें दरदरा पीस लेना है, यदि इस तरीके से हमें इसको बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट नहीं तैयार करना है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में हम 2 बड़ा चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये गोभी ऐड कर देंगे। और गोभी ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक ऐड करने से क्या होगा, ये जो हमारा गोभी है थोड़ा सा जल्दी फ्राई हो जाएगा और हमें इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है, सिर्फ हमें इसे 80% ही फ्राई करना है गोभी को। तो इसे हमें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, इसी तरह से चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमारा जो गोभी है अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक बार और इसको चला लेंगे और अच्छे से इसको चारों तरफ से पका लेंगे। तो हमारा गोभी जो है वो फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं गोभी को। गोभी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए आप। अब हम इसी तेल में आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए, इनको कट कर लिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून, जैसे हमने गोभी में ऐड किया था वैसे ही, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा कलर आ गया है आलूओं में। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही पकाएंगे हम इसको भी। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं आलू जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे, और इनको हम पलट लेते हैं इस तरीके से, जिससे ये अच्छी तरह से और पक जाए। बस अब हम इनको निकाल लेंगे आलू को, उसी प्लेट में हम इस आलू को भी निकाल लेंगे जिसमें हमने गोभी को निकाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अब हम इसी तेल में ऐड करेंगे जीरा 1/2 चम्मच के करीब और जीरा को तड़कने देंगे अच्छे से। जीरा हमारा जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हमने जो अपना पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड करेंगे। ध्यान रखिए ये जो पेस्ट है दरदरा होना चाहिए, वरना हमारी सब्जी उसमें टेस्ट नहीं आएगा अच्छा सा। तो ये पेस्ट है बहुत बारीक नहीं आपको पीसना है, इस बात का ज़रूर से ज़रूर याद रखना आप लोग। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में और इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को बारीक काट के भी तेल में डाल सकते हैं जहां हम जीरा डालते हैं उसके बाद, और इसे भी हम पका लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, तेल रिलीज कर दिया है मसाले ने। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून,
और इसके बाद नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक हमने फ्राई करते टाइम भी डाला है, इसलिए नमक हम कम ऐड करेंगे, वरना जो सब्जी है हमारी उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले को। और जो हम इसका जो लिड है उसको ढक देंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मसाला जो है भुन गया है हमारा। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है, ये जो सब्जी है बिना पानी के बनेगी, तभी इसमें हलवाइयों वाला या शादियों में जो हमारी सब्जी बनती है वो टेस्ट आएगा। इसमें बिल्कुल भी आप पानी ऐड मत कीजिएगा। और ये जो हमारे आलू और गोभी है फ्राई की, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, जिससे ये जो सारे मसाले अच्छे से आलू और गोभी में कोट हो जाए। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, हम इसको ढक के पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम इसको लिड को हटा देंगे और एक बार अच्छे से चलाएंगे इसको। अब हम इसको एक बार और ढकेंगे और बस हम इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ गया है सब्जी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच के करीब और कसूरी मेथी 1/2 चम्मच। इसको हमें लास्ट में ही डालना है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लास्ट में डालने से। और इनको भी हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में हरे धनिये की पत्ती, इससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कोई भी सब्जी हम बनाए उसमें तो ये डालना तो ज़रूर बनता है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम एक बार। तो हमारी आलू गोभी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें हम इसको सर्व करेंगे आलू गोभी की सब्जी को हम। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इसे आप पराठे या पूरी के साथ किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं, सेम वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा हम शादियों में खाते हैं आलू गोभी की सब्जी। तो ये लीजिए हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गई है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।